दोस्तों पिछले महीने बॉलीवुड की एक फिल्म रिलीज़ हुई जिसका नाम है पद्म श्री कौर सिंह। इस फिल्म की कहानी पंजाब के एक बॉक्सर कौर सिंह की जिंदगी उत्ते आधारित है, जिसने वर्ल्ड लैवल से बॉक्सिंग के कई कॉम्पीटिशन खेड के साडे देश लिए गोल्ड मैडल जितते और भारत का नाम दुनिया में रोशन किया। दोस्तों कौर सिंह इंडिया का इको एक ऐसा बॉक्सर है जिन्होंने बॉक्सिंग वर्ल्ड के सब तो व्डे दिग्गज मुहम्मद अली का रिंग भी सामना किया। पर साडे लिए यह बहुत मंदभागी गल है कि जिस महान प्लेयर ने वर्ल्ड लैवल से साडे सूबे अते देश दा नाम रोशन कीता, अज ओ एक गुमनामी दी जिंदगी जी रहा है। अज जदों भी साडा कोई भी प्लेयर कॉमनवेल्थ गेम्स जां ओलंपिक विच कोई मैडल जितदा है तो उसनूं कुछ दिन मीडिया अपने सुर्खियां विच बहुत तरजीह दिंदा है, पर बाद विच उनां दी कोई भी सार नहीं लई जांदी। साडे बहुत सारे प्लेयर्स जो कई सालां दी अपनी कड़ी मेहनत तों बाद वर्ल्ड लैवल ते साडे देश दा नाम चमकाउंदे हन, अज एक मंदहाली दी जिंदगी जी रहे हन अते सरदार कौर सिंह भी उनां विचों इक हन। संगरूर जिले के खनाल खुरद पिंड में जन्मे कौर सिंह एक जिमीदार परिवार का संबंध रखते सन। पांच भैन भरावां विच सब तो वड्डे कौर सिंह एक भी क्लास नहीं पढ़े, पर उन्हां दा सुपना शुरू तो ही फौज में जाण दा सी। तकड़े जुस्से के मालिक अते लगभग 6.5 फुट लंबे कौर सिंह ने 1971 विच इंडियन आर्मी नूं ज्वाइन किया सी। 1971 की भारत अते पाकिस्तान की जंग में सरदार कौर सिंह नूं राजस्थान में जंग वास्ते भेजा गया, जिथे उन्होंने मोर्चा फतेह किया। उन्होंने इस बहादरी करके सरकार ने उन्होंने संग्राम मैडल नाल सम्मानित भी किया। दोस्तों कौर सिंह के बॉक्सिंग करियर की गल करिए तो उन्होंने बॉक्सिंग करियर की शुरुआत सन 1973 हुई सी। अपनी एक इंटरव्यू दौरान कौर सिंह ने दसिया कि आर्मी उन्होंने एक सीनियर ऑफिसर की प्रेरणा हौसले सदका उन्होंने पहली बार स्टेट लैवल बॉक्सिंग कॉम्पीटिशन भाग लिया, जिथे उन्होंने हार का मूँह दिखना पाया। पर कौर सिंह ने इतने हौसला नहीं हारिया। उन्होंने अगले 3 साल तक लगातार मेहनत की अते नैशनल लैवल बॉक्सिंग लिए क्वालीफाई किया। दोस्तों इस तो बाद उन्होंने कदे भी पिछे मुड़के नहीं देखा ते लगभग 8 साल तक इंडियन बॉक्सिंग विच अपनी धाक जमाई रखी। 1979 विच 31 साल की उम्र विच पहली बार नैशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने तो बाद कौर सिंह ने अगले 5 साल तक लगातार नैशनल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। इस तो बिना उन्होंने सन 1980 विच एशियन चैंपियनशिप अते 1982 विच एशियन गेम्स विच भी गोल्ड मैडल जितया सी। सरदार कौर सिंह जी दीआं इन्हां प्राप्तियां करके भारत सरकार वल्लों उन्हां नूं सन 1982 विच अर्जुना अवार्ड अते सन 1983 विच पद्म श्री नाल भी सन्मानित कीता गया सी। दोस्तों इस सब तो बिना कौर सिंह 1980 विच उस वेले चर्चा विच आए सन जदों उन्होंने दुनिया के महान बॉक्सर मुहम्मद अली नाल रिंग सांझा कीता सी। हालांकि यह एक एग्जीबिशन मैच सी, पर दोस्तों उन्हां समय विच एक इंडियन चैंपियन बॉक्सर दा मुहम्मद अली वर्गे वर्ल्ड चैंपियन अगे रिंग विच जाना भी बहुत वड्डी गल सी। अपनी इस फाइट नूं याद करदिआं कौर सिंह ने दस्सिया कि मुहम्मद अली के मतरे कद वाला शक्तिशाली बॉक्सर सी, जिसके पंचेस मतलब मुक्कियां विच बहुत ज़्यादा जान सी। हालांकि 1984 विच इंडिया नूं लॉस एंजलस दीआं ओलंपिक गेम्स विच रिप्रेजेंट करन तों बाद मिस्टर सिंह ने बॉक्सिंग तों रिटायरमेंट लै लई सी अते रिटायरमेंट लैण तों बाद उन्हां ने लगभग 10 सालां तक पंजाब पुलिस विच भी बॉक्सिंग दी कोचिंग दित्ती अते कई नवे प्लेयर्स भी तैयार किए। पर दोस्तों साडे देश अते सूबे दा स्टार प्लेयर जिसने साडे देश दा नाम रोशन कीता सी, उसनू अपनी रहिंदी जिंदगी गुमनामी विच ही कटनी पई। अपने एक इंटरव्यू दौरान सरदार कौर सिंह ने भरे हुए मन नाल दस्सिया कि रिटायरमेंट तो बाद कदे भी सूबा सरकार जां सेंटर सरकार वालों उन्हां दी कोई बात नहीं पुछी गई अते होरां प्लेयरां वांग ही पंजाब दा इह अनमोल हीरा भी अणगौलिया गया। उह अगे दसदे हन कि उन्हां दा सुपना अपने पुत्तर नूं इक वधिया बॉक्सर बनाउण दा सी, पर पैसे अते सहूलतां दी घाट करके उन्हां दा इह सुपना भी विच ही रहि गया। दोस्तों सन 2017 विच कौर सिंह द्वारा उस वेले चर्चा विच आए सन जदों अपनी कार्डियक प्रॉब्लम्स करके उन्होंने हॉस्पिटल विच भर्ती होना पिया सी। इन्हां दे हॉस्पिटल का खर्चा इन्ना ज़्यादा सी कि जिस करके इन्हां नूं ब्याज उत्ते पैसे लैके अपना इलाज करवाना पिया। कौर सिंह की सहायता वास्ते उस वेले दी कैप्टन सरकार ने इन्हां नूं 2 लाख रुपए अते बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान वल्लों भी इन्हां नूं 5 लाख रुपए की मदद दित्ती गई सी। पर जिस तरह का हुंगारा अते सपोर्ट एक एशियन चैंपियन जां नैशनल चैंपियन नूं मिलना चाहीदा सी, शायद वह नहीं मिल सकिया। सरकारां तों बिना साडे समाज वालों भी इन्हां नूं अणगौलिया किया गया, जो कि साडे सब लई इक मंदभागी गल है। फिलहाल दोस्तों पिछले महीने 22 जुलाई नूं कौर सिंह जी दी जिंदगी उत्ते आधारित एक पंजाबी फिल्म पद्म श्री कौर सिंह भी रिलीज़ की गई है। एंड आई होप कि इस फिल्म के जरिए साडे यूथ नूं इस महान प्लेयर बारे पता लग सके, जिसने संगरूर जिले के खनाल खुरद पिंड विचों उठ के दुनिया भर में अपना ते अपने देश का नाम चमकाया। इस तो बिना दोस्तों सानू सब नू इस फिल्म दे प्रोड्यूसर करम बाठ अते पंजाब दे मशहूर गीतकार भाई राज काकड़े होना दा भी धन्नवाद करना बनता है, जिन्हां ने इस मुद्दे उत्ते इनिशिएट लै के पहल कीती। एंड आई होप दोस्तों कि साडा रीलां ते नच्चण वाला यूथ इस रियल लाइफ हीरो दी जिंदगी तों
कुछ इंस्पायर भी होगा। बाकी दोस्तों जो थानू साड़ी एक कोशिश पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके साडे चैनल को भी जरूर सबसक्राइब कर दियो। आप मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तद तक लई थैंक यू।